हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ऐसे हमेशा अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हमारे वीडियो एंड तक और देखते रहना। तो आइए, आज का वीडियो ना किसी के डिमांड पे है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सुशील राजपूत। तो उसके डिमांड पे मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। और आज ना मुझे ना एक केक का ऑर्डर्स भी है, तो क्यों ना उसका भी डिमांड पूरा हो जाएगा और मेरा केक भी पूरा हो जाएगा। और आप सब वीडियो लास्ट तक देखना, एक बहुत अच्छी सी हम नई डिजाइन देने वाले हैं। 1 किलो का ये केक है, तो आइए दिखाते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है सुशील राजपूत जी, वो मेरे को कमेंट करते हैं कि बेस वाला वीडियोस बनाओ। तो मुझे ना समझ नहीं आया वो बेस किसे बोल रहे थे, स्पॉन्ज को बोल रहे थे क्या? जैसे कि हम इस पे बनाते हैं, हमारा प्रीमिक्स आता है केक बनाने के लिए, तो हम प्रीमिक्स के लिए ना इसमें बनाते हैं। तो इसमें जो बनता है ना केक, उसे स्पॉन्ज कहा जाता है। तो क्या आप ये वाला स्पॉन्ज के बारे में बात कर रहे थे या बेस? तो हम लोग केक बनाते हैं तो इसे बेस बोला जाता है। और ये केक रखने का प्लेट है जिसे बेस बोला जाता है। और इसे ना मैं रेडीमेड खरीदी हूँ। और ये देखिए, ये इसका बड़ा साइज वाला वो है, खड्डा पुट्ठा क्या बोल सकते हैं पैकिंग करने का डिब्बा है। तो ये 1 किलो वाला है, मेरे पास छोटा वाला भी है लेकिन ये 1 किलो वाला है। तो ये दोनों को हम बोलते हैं, उसको तो पुट्ठा खड्डा या फिर क्या बोल सकते हैं पता नहीं डिब्बा। और ये देखिए, इसे बोलते हैं हम प्लेट बेस, तो इसे बोलते हैं। तो आप क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट करना। और वैसे मुझे इतना ही समझ आया कि आप शायद स्पॉन्ज के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी तक स्पॉन्ज के बारे में वीडियोस नहीं बनाई हैं, बस बैक कर देती थी और आगे की डेकोरेशन का वीडियो। शायद इसके बारे में बात कर रहे होंगे, स्पॉन्ज के बारे में, क्योंकि मैं अभी तक स्पॉन्ज के बारे में बताई नहीं हूँ जो अभी बताने वाली हूँ। तो ठीक है, आप वीडियो फिर लास्ट तक बने रहिए। हम कैसे स्पॉन्ज बनाते हैं, केक डेकोरेटर्स कैसे करते हैं वो बताएंगे। मेरे हस्बैंड का हाथ दर्द दे दिया, तो वीडियो ऊपर नीचे जैसे 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 हो रहा है, तो वीडियो पे बने रहिए, दिखाते हैं आप सबको। तो ये देखिए, ये केक का वेटिंग करने का है, मतलब केक सामान का वेटिंग करने का, तो वेट के हिसाब से बनाते हैं। तो ये ना वेटिंग करने का ना हर किसी के पास नहीं होता, तो ये हर किसी के पास आसानी से मिल जाएगा मार्केट पे। मैं इसे फ्लिपकार्ट पे, सॉरी, मैं इसे ना मीशो ऐप पे खरीदी थी जब मैं केक सीखने वाली थी। तो मैंने सबसे पहले ना सामान खरीदना स्टार्ट किया था, तो मैं धीरे धीरे करके ना कुछ कुछ सामान खरीदते जाती थी, क्योंकि एक साथ खरीदना ना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती थी, किसी महीने और कुछ खरीदती थी, किसी महीने और कुछ खरीदती थी, ऐसे कर करके ना मैं ये खरीदी थी। इसका भी वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये बहुत सस्ती में मिलती है, तो आप भी इसे खरीद। तो देखिए, हम ना 1 पाउंड के लिए जब केक बनाएंगे ना, तो आप सबको 1 पाउंड के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो 1 पाउंड का मैं बताऊंगी, उसके बाद हम बताएंगे। मैं आज ना 1 किलो का बनाने वाली हूँ, इसमें बहुत बड़ा बनाने वाली हूँ, तो आप सबको ना मैं 1 पाउंड का बताऊंगी। वैसे मैं 2 पाउंड का बना रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मेजरमेंट कप, ठीक है। तो सबसे पहले ये बॉल ले लेते हैं हम। अब इसमें हम अपना प्रीमिक्स निकालते हैं। ये देखिए, प्रीमिक्स का पैकेट इस तरह से आता है। बहुत लोग मैदे से भी बनाते हैं, लेकिन मैदे में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ना मिलानी पड़ती है, और इसमें ना प्रीमिक्स में ऑलरेडी सभी चीज़ मिला हुआ रहता है, तो हमें ना अलग से लेना, अलग से मतलब बनाना नहीं पड़ता, ताम झाम करना नहीं पड़ता। तो इस पर ना स्टेपलर लगा के रखना पड़ता है, मतलब हवा ना जाए, ताकि ये ख़राब ना हो। एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है, मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इसे ना इसके साइड साइड को पॉलीथीन को अच्छे से जला देती हूँ, उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी उसके, गैस चूल्हे से नहीं, गैस चूल्हे से नहीं, लाइटर से इसके जो किनारे को फाड़ी हूँ ना, उसको मैं हल्का से जला देती हूँ। उसके बाद जलाने के बाद ना मैं स्टेपलर मार देती हूँ, क्योंकि ना इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड शायद इसको ना बहुत गंदे तरीके से लगाए हैं, मेरे हस्बैंड को नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ, ये पूरा फट गया ये पॉलीथीन नीचे से, अभी कैसे भी चाक ना हवा जाएगा ही जाएगा इस पर। तो सच में अपना काम अपने को हस्बैंड जी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ना बहुत नुकसान कर देते हैं। देखो अब आप सबको मैं इनकी मुझे बता देती हूँ, इनको यहाँ से स्टेपलर मारना था, मैं अक्सर यहाँ से मारती थी और वो नीचे से मार दिया है। तो देखो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े छेद हो गए हैं, तो अब मैं
कोई मतलब नहीं पड़ा, अभी से एयरटाइट कंटेनर पे ही मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो आप भी इस गलती से सीखे और अपना काम खुद करें, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। तो ये देखो मैं यहाँ से किनारे से, आप छोटा सा पाना मैं यहाँ से खा रही थी और मैं हमेशा यहीं से ही स्टेपलर करती थी। मेरे हस्बैंड यहाँ तक ले गए और यहाँ पे ना बहुत सारे होल्स बन गए हैं स्टेपलर के। तो कोई बात नहीं, इसे मैं एयर टाइट कंटेनर पे अब रखने वाली हूँ जो कि पहले नहीं रखती थी। कम भी हो गया ना, तो फिर तो हर किसी के पास ना ये वाला मेजरमेंट नहीं रहता है, तो हम तो इसी में भी बनाएंगे। आप सबको मैं उस कप पे बताऊंगी कितना लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से गिर रहा है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मेरे हस्बैंड ने। अब मैं उनको क्या बोलूँ मेरे बहुत हेल्प करते हैं यार मेरे हस्बैंड, लेकिन कभी कभी ना हेल्प करने के चक्कर में काम भी बिगाड़ते हैं हस्बैंड लोग, ऐसे होते हैं। क्योंकि लड़कियों का काम लड़कियाँ ही बहुत अच्छे से कर पाते हैं ऐसे मुझे लगता है। आप सब कमेंट करके बताना कि आप सबके भी हस्बैंड कभी कभी ऐसे काम बिगाड़ते हैं जब काम करने बोलती हो। तो पर मुझे पता नहीं था, उस दिन देखी भी नहीं थी मैं। बहुत छोटा सा होल करती हूँ मैं ताकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसको ना गिरे। गलती की थी बताना, मैंने जो गलती की थी वो थोड़ा सुधारने के लिए मैंने ये देखो एक छोटे से कंटेनर में इसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया फोल्ड करके रख दिए थे, जिससे ये इसमें हवा जाएगा भी नहीं। इसके ऊपर से मैं अच्छे से कहाँ इसका ढक्कन कहाँ दिखा हूँ, ढक्कन ये देखो प्रॉपर। हस्बैंड को थोड़ा बोलने नहीं आते, सीख रहे हैं। तो देखो मेरे हस्बैंड ने जो गलती की थी उसे उन्हें सुधार दिया। इस डब्बे का सारा सामान निकाल के उसने इस डब्बे पे रख दिया। सबसे पहले मैंने प्रीमिक्स डाला, उसके बाद तेल डाली, उसके बाद हमने डाली इस पे पानी। तो पानी इतना डालना है कि बेटर आप सबको दिखाऊंगी कितना रखना है, ठीक है। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपको भी रखना है। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आप सबको मैं बताना ही भूल गई क्योंकि मैं इधर केक बनाने में बिजी लग गई थी। तो आप सबको बताना चाहती हूँ, आप 1 पाउंड का लेना चाहते हैं ना, तो ये वाला है 1 पाउंड का कप, बड़ा वाला कप, सबसे बड़ा वाला कप देखिए। तो इस पर आपको 1 कप प्रीमिक्स लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, मतलब पूरा फुल 1 कप ले लेना है, ठीक है। इस पर 1 कप पानी जाएगा और ना मतलब आप पानी का अंदाज़ा ये देख कर लगा सकते हैं कि इसका बेटर किस तरह से रहता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा भी पानी डल जाएगा कोई बात नहीं, लेट से बैक होगा लेकिन ना बैकिंग हो जाएगी। बस तेल इम्पॉर्टेंट है, तेल इस वाले चम्मच पे, सबसे बड़ी वाली चम्मच है। कितना टेस्टस्पून है ये, 1 टीस्पून का चम्मच है। तो इस पे हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, तो इस तरह से हमारा स्पॉन्ज तैयार हो जाएगा। तो आप सबको भी घर पे बनाएंगे ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरह से ये 3 कप बहुत ज़रूरी है केक के लिए, और मैंने आप सबको सभी चीज़ बता दी है। पानी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना नापे कितना नहीं, आप ना अपने अंदाजे से, मैं इधर दिखाऊंगी ना तो आप अंदाजे से लगा सकते हैं। जैसे देखो अभी बहुत टाइट है हमारी बैटर, तो हमें ना इसमें और पानी डालना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कितना ठीक रखना है इसे हम अभी आप सबको दिखाते हैं, उस तरह से रखना। तो मुझे तो समझ नहीं आया, बेस उसी को बोलते हैं और शायद वो स्पॉन्ज की बात कर रहे थे, तो इसीलिए आज मैंने स्पॉन्ज वाला वीडियो बनाई है। और लास्ट तक देखना वीडियो, इसकी केक डिजाइन बहुत अच्छे बनने वाली है क्योंकि ये केक बहुत बड़े घर जाना, मतलब केक ना एक बड़े घर पे जाने वाले हैं, जो अभी तक फैमिली उनकी बड़ी है तो बड़ा केक चाहिए, बच्चे लोग बहुत हैं। तो हमारे मैनपुर पे ना बहुत बड़े बड़े घर है जो जिसके यहाँ मेरा केक चला गया है और आज एक जाने वाला है, आज नहीं कल जाने वाला है, जिसे मैंने शाम को तो मैंने अपना मंगलसूत्र इसीलिए निकाल दी क्योंकि ना केक बनाते बनाते ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है, लग जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आप सबको बैटर रखना है। ये देखिए आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और करूँगी। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी पे आपको इसे बनाना है, जैसे कि हम ऐसे ऊपर करें ना तो एकदम से आराम से धीरे धीरे नीचे आए, ज़्यादा गीली नहीं ना ज़्यादा टाइट नहीं, तो हमारे स्पॉन्ज परफेक्ट बन के आएगी। अब हम ये ब्रश ये लेते हैं, इसमें मैं बटर पेपर पर कुछ नहीं लगाती, मैं शुरू से ऐसी हूँ। तो इसमें हम 1 बूंद तेल डालेंगे, बस 1 बूंद तेल, और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ना सभी तरफ अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, नहीं तो ना हमारा नीचे का जो स्पॉन्ज होता है वो अच्छा नहीं निकलता।
और देखना इसमें चिपका भी नहीं रहता, बहुत आसानी से अच्छे से निकल आती है। बस इसे ठंडे होने तक रखना है हमें। तो ये देखिए इस पर अब मैं ना डाल रही हूँ। अब थोड़ा क्या बोलते हैं कंटेनर पोट, तो इस तरह से हमें डालना है और हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह रहनी चाहिए बेटर की, ठीक है। इसके लिए ना इस फॉर्चूला के लिए ये भी बहुत जरूरी है, इससे क्या है हमारा सारा बेटर जो है ना आसानी से निकल आती है। देखिए इसमें पूरा चिपका हुआ है, बहुत आसानी से सब भी चीज बाहर निकल जाती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास दो है ऐसी, एक ये वाला ली थी फ्लिपकार्ट पे तो मिला था, एक ये वाला। तो ये देखो पूरा खाली कर देता है इसे, एक बूंद भी नहीं रहता और हमारे इस पे भी नहीं लगता, तो है ना मैजिक। तो इस तरह से आपको बनाना है। अभी से ना देखिए दो तीन बार ना टैप करना है ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल जाए, और अगर आपको ऊबर खबर लग रही है तो आप इससे ना ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने की। ऊपर नीचे ना करो, अच्छे से करो। अभी से ना टैप करेंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया टैप, अपने ऑन कर दी है। और देखिए ये 180 डिग्रीज पे रहनी चाहिए, 80 डिग्रीज पे, और ये हमारी ना 35 मिनट के लिए हम करेंगे ताकि वो 5 मिनट के लिए ना फ्री हीट हो, मेरे को देख नहीं रहा ज़्यादा हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इसे ना 35 मिनट करना है क्योंकि 5 मिनट हम इसे फ्री हीट करेंगे। 5 मिनट के बाद जब हमारी ये ऊपर नीचे की रॉड एकदम लाल लाल दिखने लग जाएगी ना, तब हमें इसको डालना है और इसे अच्छे से ऐसे टैप करना है। टैप करना बहुत ज़रूरी है, टैप करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ना एक्स्ट्रा एयर बाहर आती है इस तरह से, देखना ना बबल्स लोग। तो ऐसे ही आपको करना है, बस हो गया। देखिए हमारी ओवन फ्री हीट हो चुकी है और अब हम इस पर अपना पॉट रख देंगे बिल्कुल बीचों बीच। तो देखिए ये बैक हो रही है, तो हमारा केक देखिए बैक हो गई है, बहुत अच्छा पॉन्च तैयार हो गया और इतनी प्यारी इतनी परफेक्ट बनकर निकली है ना। अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, तो हमें इसे ठंडी होनी देनी है। और अगर आपको चेक करना है ना कि हमारा ये स्पॉन्च अच्छे से बना है कि नहीं, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा ऐसे इस तरह से। तो ये देखिए एक स्टिक लेंगे और इसे हम गला कर देखेंगे, और इस पर अगर कुछ नहीं निकल के आते ना, मतलब हमारी अंदर से पूरी अच्छी तरह से पकी हुई है स्पॉन्च, ये देखिए बहुत अच्छे से पकी हुई है ना, तो इस तरह से आपको रखना है। ये थोड़ी सी फट जाती है ओवन पे बनाने से, और इस तरह से देखिए वैसे ये वाला ऊपर वाला भाग पूरा निकल जाता है हमारा, अंदर का स्पॉन्ज काम आता है, ऊपर का ना पूरा निकल जाता है, हम इसे केक पे नहीं यूज़ करते। तो इस तरह से हमारा स्पॉन्ज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो यहीं तक था, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये देखिए इतनी गर्म है ना इसे ठंडी होने तक, और ये इतनी गर्म है ना इसे ठंडी होने तक हमें रखना है, और बहुत अच्छे से फूल गई है देखिए, इसे हमें ना ठंडी होने तक रखना है। ठंडी होने के बाद ये बहुत आसानी से निकल आएंगे, तो आप उसको ना नेक्स्ट पार्ट पर देख पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसकी डेकोरेशन की वीडियो और इसे हम कैसे निकालेंगे उसको ना इसकी नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे। तो ये वाला वीडियो यहीं तक था, अगर आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई है और अगर आप मेरे से सीख पाए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ कमेंट करना। और आप क्या बोल रहे थे अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू वाचिंग माय वीडियोस, आपकी खुशियों की बगिया ऐसी महकती रहे, हमारा वीडियो देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।